वेलकम बैक टू द व्लॉग। सुबह के 5:30 बजे अभी अंधेरा है। इतना अच्छा समय बाहर अंधेरा और आप सुबह सुबह काम पे लग जाए, वाह। चली है ब्लैक कॉफी और शुरू हो जाते हैं। अगर हम पत्ते का नीचे से मैसेज आया कि चाय बन चुकी है, नीचे आके पी लो, ऑफिस में मत पियो प्लीज, क्योंकि हमें तो मेरा साथ चाय पीने का मन है जो कि मेरा भी है। तो व्लॉग एडिट हो चुका है, लेकिन व्लॉग को मैं अपलोड करने से पहले एक बार गो थ्रू दोबारा करता हूँ, तो वो गो थ्रू करना बचा, उस पर अपलोड कर लेंगे। टेबल पे बैठ कर व्लॉग करते थे ना, यहाँ बैठ मुझे याद है एक बार हमने यहाँ पे व्लॉग किया था, मैं ब्रोकली खा रहा था, हम प्रसन्न हुए देवी तुम्हारे खाने से, वाला सीन था बहुत पुराना व्लॉग था जब हमने फ्लाइंग भी स्टार्ट किया था। तो बड़ी इनोसेंट सी लगती थी स्क्रीन पे पहले ना, असल में सही में स्टार्टिंग में जो शादी होती है ना, एक थोड़ा सा शर्म थी मेरे को, कितनी शर्म आती थी, तो मैं कहता था मेरे को शर्म आते रशी जब तक नहीं पैदा हुई ना, वो शर्म आता था, तो वो चीज आती हुई थी, फिर भी टाइम हो जाता है घर में वो रशी के साथ, कितनी मेमोरीज है हमारी। नहीं असल में किया बच्चा छोटा भूल जाते उसकी सारी चीजें यार, उस कमरे में छोटी दर्जे के पीछे ये जो अपने वो लगे ना बांस, लगे ना बांस मतलब छोटी थी, उनके बीच में से निकलती थी। हाँ, कल मैंने देखा शी वाज ट्राइंग टू पास, फंस गई। दिया है, एडिट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, 10 बजे वो वीडियो डाल दिया। अभी कर लेते हैं जिम फिनिश, होकर रात को टेम्पो डाउन आता है, जिम फिनिश करके आज प्लान है कि काफी सारी शॉपिंग, और आज मैं जा रहा हूँ अपने विंटर कह लीजिए जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी अपने LLB DLB एग्जाम में। दीदी नाश्ते में क्या बना रहे हो? मैं आपके साथ नहीं सोया और मुझे पता है कैसी नींद आई, वाह बढ़िया नींद आई मेरे को कल। गुस्सा क्यों करती हो भाई, थोड़ा सा पराठा ही तो खा लिया। बड़ों से बात ढंग से करना सीखो। दिखा रहा भैया, गाड़ी खड़ी हुई थी क्या? अरे बहुत टाइम से खड़ी थी, 6 महीने से खड़ी हुई है, जाम हो गया। ये जैकेट हमारी हम गुलमर्ग में पहने गए थे, पहन के गर्मी लगती है, इसको सहना पड़ता है। तोलिया भी निकल रहे हैं, काफी दूर जाना है। अरे गाड़ी चाबी ऊपर ही रह गई यार, सीट भाग के जा, भाग के जा, तब तक मैं पान खाता हूँ। गाड़ी सारा पान, लेकिन बहुत जगह खाया लेकिन यहाँ पे ऐसा स्वाद नहीं आता। पहले क्या खाएगा तू बता? मैं आप कुछ नहीं, मेरे लिए मिठाई का डब्बा ले आना। मैं गुलाब जामुन, 2 प्लेट काजू कतली, 1 प्लेट रसगुल्ला, 1 प्लेट गुलाब जामुन, और जो गुलाब जामुन और रसगुल्ला वो खाने के लिए। थैंक यू भैया। अरे ये खाओगे क्या, गंदगी मचाओ गाड़ी के अंदर। हाँ हाँ मैं तो बता, नंबर 1 कंजूस हूँ, कुछ अच्छी साड़ी नहीं। तो मम्मा फिलजूस खर्ची नहीं होती करने, इसमें तो भूल जाओ, कभी सपोर्ट नहीं करेगी। होती है होती है खर्ची। अच्छा कुछ क्या है, पापा के सारे जो पापा को पढ़ाई कराते थे आंटी को। हाँ ये देखो, बाप रे गजब भाई, ये तो निकल ले 2 मिनट में सीधा, ज्यादा झटका मारे सीधा मार्स पहुंच जाए। सैटेलाइट जब जाती है ना वेलोसिटी लेने के लिए, जुपिटर के पास स्लिंग शॉट लेते हैं, आंटी ऐसा स्लिंग शॉट लेंगी पूछो ना। रुकने का नाम नहीं, तो दिया पड़ी है भाई, दिया पड़ी है। देख आंटी को देख गाइस, इधर। अरे भाई सही में यार, भाई बहुत फिट है यार, और मैंने मेरे को लगा इनका इंटरेस्ट है इसमें काफी। ये मैं रहा ओलंपिक में मेडल वेडल लाएगी एक नीरज चोपड़ा भाई अपना, ये आंटी इंटरेस्ट है भाई सही में। किस उम्र में इतनी बढ़िया से कर रही है। ये हमारे वेंडर है तो स्टोरी बता रहे थे, मैंने कहा सर ये स्टोरी मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं तैयारी कर रहा था, और लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं GK VK पढ़नी होती, इंग्लिश पढ़नी होती, तो मैं लॉ और जो भी अपना पढ़ रहा होता था पूरा डिटेल पढ़ रहे थे। हाँ डिटेल घुस घुस के पढ़ रहा था मैं अंदर, मेरे को था कि वकील बनना है। वकालत अभी एक्चुअली 3 साल दूर है, तो वो एंट्रेंस पेपर टैकल करना अलग बात है और वकील बनना अलग बात है। सर बताए मेरी लिमिटेशन क्या थी, अब मेरी बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं थी, अगर आपकी क्लास में इंटरेक्शन हो तो पता चला था कि भाई नहीं ये भी आ रहा है लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, ये भी आता है, ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, तो मेरे को वो जीरो नॉलेज थी, मुझे था कि कोई गाइड करते, तो वैसी गाइडेंस नहीं थी। तो मैंने पहला टेस्ट दिया, 140 नंबर आए थे, मैंने इनको कॉन्टेक्ट किया, सर मुझे करंट अफेयर्स बहुत जरूरत है, कहते तुमको करंट अफेयर तुमको सबकी बहुत जरूरत है। बट ही वाज सो नाइस, देन ही गेव मी द एंटायर कोर्स, आई डिडंट चार्ज आल्सो, कहते बेटा तुमसे क्या पैसे ले, तुम्हारा तो हाल ही इतना खराब है, दस दिन बचे हुए थे उस टाइम पे, 10 दिन थे, बट आई न्यू बिकॉज एक सबसे बड़ी बात होती है एज की, सो अ 20-21 ईयर ओल्ड कुडंट कैच अप देन, बट अ पर्सन ऑफ दिस एज मैच्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कुड हैव कॉट अप, तो मेरे को पोटेंशियल लग रही थी कि हाँ भाई
मतलब गाड़ी 225-230 तक तो खिंच जाएगी, फिर इन्होंने खींच ली, इनको क्रेडिट है, ही मस्ट हैव वर्क्ड डे एंड नाइट, बिकॉज़ जो इन्होंने पढ़ाई करी होगी इट मस्ट हैव बीन, मतलब दिन रात आपने एक करा होगा, मतलब मुझे पता है क्योंकि वहां पे मैंने सिलेबस ही इतना ज्यादा पकड़ा दिया था कि ये आज ये करना है फिर वो करना है, एंड देन वी वर इन कॉन्स्टेंटली इन टच एंड बाय गॉड्स ग्रेस somehow it worked out. मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो मैंने कवर ही नहीं किए थे, जैसे मोहिनीअट्टम डांस हो गया, अब ये सब हमारे दिमाग, हमको पता ही नहीं कि सर ये सब भी पूछते हैं, अब हमें कोई गाइडेंस वाला वो बंदा मिल जाए, उतना टाइम नहीं है, भी है मेरा एक आई ऑलरेडी हैव अ जॉब एट हैंड, प्लस जिम भी मेरे को करना है बिकॉज़ माय पैशन स्लैश जॉब अब है मेरा, सब कुछ छोड़ दिया, जिम नहीं छोड़ा था, ये अगर हो जाए तो कुछ हो पाएगा, सर कहते हैं नहीं ये तो सही है बेटा, मैंने कहा मैं आखिरी होती, मेरी आखिरी होती, एक्चुअली सर ने भी बहुत पलटाया, रात को मैसेज किया सर ये दोनों क्वेश्चन देख लेना, सुबह तो कहते हैं हाँ ये लगता है खुश, शाम को मैसेज आया कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, देखो लॉ में क्या चक्कर है, 2+2 22 भी है बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन सामने वाले की, शब्दों का आडंबर है. पूछना था कि जब लॉ कर लेते हैं तो बीवी से आर्गुमेंट में कुछ फायदा मिलता है कि नहीं मिलता, कि आप जीतते हैं कि फिर भी आप हारते रहते हैं, आप तो ईश्वर को शुक्र किया कि आपको इतना अच्छा स्पाउस मिला हुआ है, नहीं तो वकीलों को, वकीलों की तो शादी नहीं होती. चलाते सिखा दे एक बार ये. आप भी सही कर रहे हो, बुरा नहीं है, नॉट बैड नॉट बैड. खुद रुकेगा, ये बताए कब करना चाहिए, याद है मेरी कमर ऐसी हो गई थी, तब करना चाहिए था. करके देख मजे आएंगे, पकड़ इधर. रोहिणी यहाँ पे सर्विस सेंटर में रुकते को फोन दिया हुआ, वो उठाना है. मंगलम पैलेस हो गया, सारी फोन की शॉप है, सारी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, बट मुझे लगता है ट्रैफिक से बड़ा टाइम वेस्ट कुछ नहीं है, आपको क्या लगता है? तो बट फॉर ड्राइवर ओनली, बट दैट्स अ पर्सन सिटिंग ऑन द साइड कैन स्टिल डू सोशल मीडिया एंड एंटरटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. उठ गया था सुबह 5:30 बजे, मेरी हालत बहुत ज्यादा टाइट से भी ज्यादा टाइट है, लेकिन कल मेरा शूट है सुबह सुबह बाजी के साथ, तो मेरे पास पहनने को एक इतना सा भी कपड़ा नहीं है, मैं सब लखनऊ में छोड़ के आया था. इसकी भी हालत बहुत टाइट है, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि हम दोनों टाइट हैं, वैसे वाले टाइट नहीं. वो दिन गए, तो अभी जा रहे हैं मॉल, मॉल में करेंगे कुछ शॉपिंग, होपफुली कुछ पहन सकूं मैं, कल सुबह मेरा शूट है. सहज सर से मिलने गए थे, एक और सर जिनसे मैंने पहले कोचिंग ली थी, उनसे मैं मिलने कल या परसों जाऊंगा, तो जब वो मिलूंगा तो उनसे भी दिखा दूंगा, बट उनसे मैंने पहले ली थी, सहज से लास्ट 1 महीने में ली थी, बट 1 महीने में उन्होंने बहुत ज्यादा गाइड कर दिया था. आज अपने इटर्नल स्कूटर पार्क करके गया था मेले में, अभी शर्मा गए थे भाई, बख्श थे भाई, बहुत बहुत जल्दी में था मैं, फ्लाइट थी मेरी, बैठने की जगह नहीं है स्टारबक्स में, हमारा प्लान था कॉफी पियेंगे, फिर इतना भीड़ है भाई, सैटरडे है ना आज, फालतू डर रहा था. 1 2 3 आज देखो कुछ नहीं हुआ, ये लिखा है प्लीज मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस, 6 फीट डिस्टेंस, इतने लोग अगर 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो दीवारें तोड़ के बाहर निकल जाएंगे. बेटा तेरे को चिट्ठी पार्टी आज, यही चीज बबलू चाट कॉर्नर पे 30 रुपए की, मैं 300 की ट्रायल में मैं चेंज करूंगा, मेरी शेम शेम हो जाएगी, रशी जाओ बाहर जाओ. वीकेंड पे शॉपिंग के लिए मॉल लेना चाहिए, खाने पीने आओ, कॉफी पियो, एंजॉय करो, घूमो, शॉपिंग नहीं. तो हमारी बिलिंग हो चुकी है, बिलिंग इतनी ज्यादा हो गई कि हम कुछ सामान अभी रिटर्न कर रहे हैं खरीदने के साथ साथ ही. मेरी पसंद ये थी, ऋतु की पसंद ये है, तो आई एम गोइंग विद हर पसंद बिकॉज अच्छा ही अच्छा लग रहा है. आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई, ये वाला कि ये वाला? कह रहे भैया मेरी दुकानदारी खराब ना कराओ. How was your shopping experience today? अभी जाना खाते ना, हमारे डिसाइड होता है कि हमें ये चाहिए, हमें चिकन टिक्का दे दो.
इन लोग का भी आधा घंटे लग जाएंगे, डिसाइड नहीं हो पाएगा। अरे कोई अर्जुन पुरस्कार थोड़ा ना मिलेगा, देख लो भाई क्या खाना है, दाल चावल, आलू चावल, कढ़ाई पनीर, मलाई पनीर, खाना पापड़ सबके टेबल पे देखा मैंने, सबके टेबल पे, पता क्यों? सबको कह रहे हैं सर खाना लेट होगा, मसाला वाला तब तक ले आए। सब लोग कहते हैं हाँ भैया ले आओ। अंग्रेज पापड़ से मसाला निकाल के खा रही है, देखो अब और हिम्मत कुछ नहीं करने की, ना ब्लॉग करने की, ना कुछ करने की, घर जाकर सोएंगे, सुबह 6 बजे निकलना शूट के लिए। बात क्यों हुई देखो, ये रात को एनर्जी आ गई। वॉचिंग दिस व्लॉग, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। ये गले में क्या टांग रखा है, गले में क्या टांग रखा है? हाँ किसकी है ये? इसका वो खाना गिरता है तो हमने सौ की टांग दी इसकी।